brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. चीन के साथ तनाव के बीच लद्दाख पर एक बहुत बड़ी घटना घटी, जिसे जानना इस समय पूरे देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस बीच दोनों तरफ से स्थिति स्थिर होने के दावे पेश किए जा रहे थे, उस समय एक बहुत दिलचस्प तस्वीर निकलकर सामने आई है, उस पॉइंट से जहां पर दोनों देशों के बीच गंभीर विवाद था। लेह स्थित भारतीय सेना ने पहली बार देपसांग में आगे के स्थानों पर भारतीय सैनिकों की तस्वीर जारी की। लंबे वक्त से देपसांग दोनों देशों के बीच विवाद का एक पॉइंट था। यहां से लंबे वक्त से टकराव जारी था। चीन के साथ टकराव के बीच देपसांग में आगे के हिस्सों से भारतीय सैनिकों की यह तस्वीर सामने आई है। 26 अप्रैल को 14 कोर द्वारा एक्स पर तस्वीरें शेयर की गयी। इन चार तस्वीरों में दो प्रमुख चीजें नजर आई, पहली भारतीय सेना, दूसरी वो पॉइंट जहाँ पर दोनों देशों के बीच विवाद है, यानी देपसांग। फायर एंड फ्यूरी कोर के बहादुर लद्दाख में अत्यधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर मजबूती के साथ खड़े हैं। द ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट में सूत्रों ने बताया कि तस्वीरों में से एक राखी नाला घाटी में बॉटल नेक नाम की एक जगह की तस्वीर नजर आ रही है। बता दें, देपसांग के दक्षिणी किनारे में बॉटल नेक पड़ता है। बॉटल नेक का मतलब है वो संकरी घाटी जो पर्वत श्रृंखला के पार जाती है। भारत और चीन ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए अपने अपने स्थानों पर डटकर खड़े रहने का फैसला किया है। दोनों देश अपने अपने स्तर पर, सैन्य स्तर पर बातचीत के जरिए से मामले को हल करने की कोशिशों में जुड़े हैं, और इन सब के बीच में देपसांग वो पॉइंट था जिसे बातचीत के जरिए से हल किया गया, और अब इसी क्षेत्र के सबसे आगे वाले स्थानों पर भारतीय सेना तस्वीरों में नजर आ रही है। इसके अलावा तस्वीरों में लेह के एक वरिष्ठ सैन्य कमांडर सैनिकों के साथ मुलाकात करते हुए भी नजर आ रहे हैं, वो भी सुपर हाई एल्टीट्यूड से। सुपर हाई एल्टीट्यूड का मतलब 15,000 या उससे ज्यादा फीट पर। अगर बात देपसांग की करें तो सेना उप सेक्टर उत्तर के रूप में इसे परिभाषित करती है, जहां दरबुक के पास श्योंग गांव के उत्तर में नागरिक यातायात की अनुमति नहीं है, यानी यहां आम नागरिक नहीं जा सकते हैं। पेट्रोलिंग यहां पर होती थी और चीन ने इसी स्थान की तरफ अपने सैनिकों को बढ़ा दिया था। इसे लेकर विवाद था, दोनों ने बातचीत की और बातचीत के बाद पॉइंट्स को लेकर थोड़ी क्लैरिटी हुई। हालांकि लद्दाख पर अभी कुछ पॉइंट्स हैं जिसे लेकर विवाद बरकरार है। अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने LAC पर तनाव कम करने के लिए बातचीत को लेकर जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि भारत अब कमजोर नहीं है, हमें बातचीत के नतीजे का इंतजार करना चाहिए, लेकिन मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत कहीं नहीं झुका है और ना कभी झुकेगा। बता दें, भारत पहले ही चीन को सुझाव दे चुका है कि गतिरोध को कम करने के लिए हमें क्रमबद्ध तरीके से बातचीत करनी चाहिए। भारत ने जिस फैक्टर का जिक्र किया, उसमें भारत ने कहा कि हमें एक तय प्रक्रिया के तहत पीछे हटने की कार्रवाई को शुरू करना चाहिए। इसमें पहले ग्रे जोन में एक दूसरे के करीब सैनिकों को पीछे हटने की बात कही गई, और उसके बाद धीरे धीरे 2020 की स्थिति में वापस आना कहा गया। अब इसी तरीके से दोनों देशों के बीच बातचीत भी जारी है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत और चीन सैन्य स्तर की 21 दौर की बातचीत कर चुके हैं। हालांकि अभी तक कोई कंक्रीट सोल्यूशन इसका नहीं निकला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।